गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट सेल, दैट इज द नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल. इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव सेल और सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और बीसीसी. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. As we know that a crystal lattice is formed by the combination of various unit cell. That is a crystal lattice and it is formed by the repetition of unit cell. Each cube can be considered as a unit cell and each point, lattice point, is occupied by atom, molecule or ion. So the whole crystal lattice is formed by the repetition of unit cell, which is formed by the lattice point atom molecules. Now we will calculate how many atoms are present in a unit cell. ठीक है, तो अगर हम consider करें that is a cell, okay, that is a cell, the corner atom, which is a corner atom, आप अपने रूम को देख सकते हैं. कॉर्नर एटम, जो साइड कॉर्नर में एटम है, दिस कॉर्नर एटम कैन बी शेयर्ड बाय फोर क्यूब और फोर रूम. एक आप अपने रूम का कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए, इस वीडियो में आप देख लो, और उस ये जो क्यूबिक लैटिसेस को आप रूम समझ सकते हैं. एक क्यूब जिस रूम में आप बैठे हैं, एक आपके बराबर वाला रूम, दैट मीन्स एक पॉइंट जो है वो फोर रूम्स को कवर करेगा. ऐसे ही फोर रूम्स उसके ऊपर, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, एट. क्लियर? तो जिस तरीके से आप ये देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट एट क्यूब में शेयर हो रहा है. फोर जो है वो नीचे और फोर यूनिट सेल ऊपर. अब एक एटम है वो एट यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है. जब एट यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है तो टोटल एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आया, 1/8. इसी तरीके से सेकंड इज फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड में जो ये एटम है, ये कॉमन फेस दोनों में शेयर होगा, तो आधा इधर आधा इधर, तो एक यूनिट सेल में कितना आ गया, 1/2. तो फेस सेंटर्ड जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2. नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर कहाँ होता है, किसी भी क्यूब के बॉडी डायगोनल में, बॉडी सेंटर पे. तो बॉडी सेंटर पे इसका कहीं भी कहीं शेयरिंग नहीं है, तो दैट इज फुल्ली कंट्रीब्यूट टू यूनिट सेल. ये आपका एज सेंटर है, बेसिकली कम यूज होता है. एज सेंटर कहाँ होता है, किसी भी एज में, दो ऊपर दो नीचे, तो टोटल कितने हो गए, फोर. तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4. एज सेंटर कम यूज होता है. हम बीसीसी और एफसीसी को ध्यान रखेंगे और सिंपल क्यूबिक को ध्यान रखेंगे. अब इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. बच्चों ध्यान देंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में मेनी टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. तो हम एक पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं, एट एटम एट द कॉर्नर. ओके, सो एट एटम एट द कॉर्नर, और एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन, हमें अभी डिस्कस किया हमने कितना. अगर आप इसको इस तरीके से कट करेंगे तो हर एक एटम का कितना है कंट्रीब्यूशन, 1/8. टोटल कितने एटम हो गए, क्यूब के कॉर्नर में एट हो गए, तो 8 × 1/8, तो ये कितना हो गया, दैट इज 1 एटम. ठीक है, 8 एट द कॉर्नर और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8. तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो गया, 1. इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, आगे जेड से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सेंटर. ठीक, बॉडी सेंटर मींस 8 एटम एट द कॉर्नर्स एंड 1 एटम एट द सेंटर. क्लियर? सो 8 एटम का जो कंट्रीब्यूशन है कितना हो गया, 8 × 1/8, बीच में एक एटम, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 1, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, टोटल एटम इज 2. क्लियर? सो 8 × 1/8
प्लस वन, दैट मीन्स टू. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आगे जब हम आएंगे, नेक्स्ट आता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी हो गई, टू. ठीक है, ये कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन वन मार्क्स में हम शो करके दिखाते हैं. एट कॉर्नर एटम इंटू वन बाई एट वन, वन बॉडी सेंटर दैट इज वन, तो टोटल इज वन प्लस वन दैट इज टू, टू एटम पर यूनिट सेल. नाउ मूव टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड में एट एटम्स एट द कॉर्नर, एट एटम एट द कॉर्नर एंड हर एक फेस पे एक एटम. क्यूब्स में कितने फेस हैं आप अपने रूम को देखिए, रूम में टोटल कितने फेस हैं, सिक्स. और फेस पे जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, वन बाय टू. तो टोटल जब हम कंट्रीब्यूशन अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो कॉर्नर वाले जो एटम है एट इंटू वन बाई एट, फेसेस कितने हो गए, फेसेस हो गए सिक्स, और हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, वन बाई टू. यानी कि जो फेस सेंटर्ड है वो तीन और जो कॉर्नर्स पे हैं वो वन, तो टोटल कितने हो गए, फोर. तो थ्री फेस सेंटर्ड और वन कॉर्नर, तो टोटल नंबर ऑफ एटम दैट इज फोर. तो जेड इज इक्वल्स टू फोर इन केस ऑफ एफसीसी. ये आप ध्यान रखेंगे, ये कैलकुलेशन आप ध्यान रखेंगे. एट इंटू वन बाई एट, सिक्स इंटू वन बाई टू यानी कि थ्री, सो टोटल इज वन प्लस थ्री दैट इज फोर एटम पर यूनिट सेल. क्लियर, सो दैट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जेड इज इक्वल्स टू फोर. क्लियर, दैट्स ओवर फॉर टुडे.